Assalamualaikum. Welcome to another amazing program of Expo This Week. मैं हूं सलमान खान. हम मौजूद हैं Expo Center लाहौर में, जहां पर हो रही है IPEX 2022, which is organized by Institute of Architects Pakistan, लाहौर chapter. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितना बेहतरीन काम कर रही है, ये आज हम डिस्कवर करेंगे इस एक्सपो के ज़रिए. इस एग्जीबिशन के अंदर ना सिर्फ कंक्रीट बल्कि फिनिशिंग से रिलेटेड पाकिस्तानी कंपनियां क्या क्या नई नई चीज़ें बना रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही हैं, क्या क्या सर्विसेज पाकिस्तान के इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दे रही है, आज की इस एग्जीबिशन में हम ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं. तो आइए डिस्कवर करते हैं. इस वक्त हम मौजूद हैं IPEX 2022 के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और ख़ास तौर पे जो फिनिशिंग होती है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स की हो या घरों की हो, से रिलेटेड बड़ी एक खूबसूरत सी एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया. और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ जो है उनके वाइस चेयरपर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान के मिस्टर गुलाम दस्तगीर जीडी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस डॉक्टर यूनुस भट्ट. तो आप दोनों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले सर बताइएगा, कब से ये एग्जीबिशन कर रहे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है? इट्स मोर देन 18 इयर्स ही ये एग्जीबिशन हो रही है, और हम लोग एग्जीबिशन कर रहे थे एक हॉल के अंदर. इस दफ़ा हम लोगों ने प्लान किया कि हम इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पर करें, और उसमें हमने दो हॉल्स ले लिए, पीछे कुछ लॉन्स भी रिजर्वेशन करवाई. अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड जी, आप सब लोग देख सकते हैं जी, रिस्पॉन्स इज़ गुड. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस एक्टिविटीज़ इस तरह की देख के कैसा आपको महसूस होता है? मतलब मैं जो है, मुझे बिज़नेस से ज़्यादा क्रिएशन और क्रिएटिव चीज़ों का ज़्यादा शौक होता है, जो एक्साइट करती हैं. और जो है एग्जीबिशन में आके मुझे देखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि जीडी साहब ने ऐसे जो है चीज़ों को एक मटेरियलिज्म से ले के क्रिएटिव लेवल पे ले गए हुए हैं. और जो इस वक्त हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो कर रही है कि हम इंटरनेशनली हमें उसको कम्पीट करना है. और ऐसी एग्जीबिशंस जो हैं जिससे ना सिर्फ आम आदमी जो है उसको अवेयरनेस होती है कि इस फील्ड में कितना काम हो रहा है, कितनी नई चीज़ें आ रही हैं, इसके साथ साथ जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको भी अपडेट होता रहता है. हमारा तो मोबाइल जो है, अगर वो महीने बाद अपडेट ना करें तो हमारी जो है उसमें पीछे चले जाते हैं. तो इसमें ऐसी एग्जीबिशंस जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, और मुझे लगता है इस दफ़ा इसमें जितनी वो एक्साइटेशन और लोगों जितने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लाहौर का एक बड़ा इवेंट बन जाया करेगा. हर साल लोग वेट करेंगे कि जो है ये एग्जीबिशन हो और फिर हम अपना घर स्टार्ट करें. जिस तरह की उन्होंने कहा, बिलाशुबा अब क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसी तरीके से इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे. और अभी कितने स्टॉल्स हैं? इस वक्त जी माशाल्लाह 95+ स्टॉल्स हैं, और वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट ईयर ये इससे बड़ी स्केल पे होगी इंशाल्लाह. और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि लोग वेट कर रहे होंगे कि हम लोगों ने अपने घर शुरू करने हैं, प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, लेकिन हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस विज़िट करनी पड़ेंगी. तो एक्सपो कब हो रही है लोग पूछेंगे हमसे, ताकि अंडर वन रूफ वो तमाम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने मटेरियल्स हैं या हम लोग फिनिशेस यूज़ कर रहे हैं उनको अंडर वन रूफ वो एक्सप्लोर कर सकें. जैसा मैंने पहले कहा था कि इस एग्जीबिशन में फ्रॉम कंक्रीट
टू फिनिशिंग, मुख्तलिफ किस्म के हमें स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और बेतहाशा पाकिस्तानी कंपनियाँ जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा स्टॉल जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कलेक्टेबल्स के नाम से ये फर्नीचर्स और आप कह लीजिए आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इंटरेस्टिंगली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान के शहर जिसको पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, लाहौर के अंदर ये सारी की सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा यूनिक किस्म का फर्नीचर है, चाहे इनकी चेयर्स आप देख लें, बहुत ही वर्ल्ड क्लास फिनिश है। कहीं से भी ये आप कह नहीं सकते कि ये को बड़ा ही आम सी कोई चीज़ बनी हुई है। ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में कम्पीट कर सकती हैं। एंड लुक एट दिस टेबल, क्या खूबसूरत ये लॉग जो है इसको फिनिश किया है और ये फर्नीचर जो है कहीं पे भी रखा जा सकता है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी भी नज़र आ रही है इस प्रोडक्ट के अंदर, सिर्फ लकड़ी है और नीचे आप देख लीजिए कि आयरन रॉड्स हैं। तो बहुत ही क्लासी और कंफर्टेबल फर्नीचर है ये, चाहे आप अपने ऑफिस में रखें या अपने घर में रखें, तो बिलाशुबा आपके घर की जो खूबसूरती है उसमें बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके अलावा एक और हमें स्टॉल नज़र आ रहा है और ये भी बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल बनाया है इन्होंने। जिस तरह कि मैंने कहा कि अब लोग जो है वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं हमें नज़र आता है, तो इन्होंने भी बड़े अच्छा सा अपने स्टॉल के अंदर जो है वो कुछ ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि आप एक गार्डन के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े लैंप्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि आमतौर पर घरों के बाहर लगाए जाते हैं, चाहे कमर्शियल जगह हो, बड़े बड़े प्लाजा के बाहर हमने इतने बड़े बड़े लैंप्स लगे हुए देखे हैं जो आपके घरों की या आपके प्लाजा की या कोई भी कमर्शियल जगह है उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। तो ये तमाम तर पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं जो बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर दे रही हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। और वाकई पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन है, पाकिस्तान के जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो अब एक वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हैं और आज के एग्जीबिशन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आगे चल के आपको मुख्तलिफ कंपनियाँ दिखाते हैं, पाकिस्तानी कंपनियाँ जो कि बेहतरीन किस्म का कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रही हैं जो उसके फिनिशिंग में इस्तेमाल होता है, और क्या क्या बना रही हैं आइए देखें। घर बनाना हो या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनानी हो, एक बहुत अहम चीज़ होती है और वो होती है इलेक्ट्रिकल वायर्स। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं फास्ट केबल्स के बड़े ही खूबसूरत और बड़े से स्टॉल के ऊपर, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रिकल वायर्स उन्होंने डिस्प्ले की हैं। और इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है एक बुनियादी हिस्सा है, ना सिर्फ सेफ्टी के लिहाज से, फिर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है इससे कनेक्टेड होती हैं। और फॉर्चुनेटली इस टाइम इनके इंडस्ट्रियल सेल्स हेड हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी कंपनी के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सैयद नौमान अली है। अच्छा नौमान, कब से फास्ट केबल्स इस बिज़नेस में है? फास्ट केबल को जी मोर देन 35 इयर्स हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान में सर्व करते हुए। लाहौर में हमारे इस वक्त दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक रायबिंड में है सुंदर में और एक हमारा हरबंसपुरा में है। हमारे पास कम्प्लीट रेंज है डोमेस्टिक केबल्स की, हमारे पास कम्प्लीट रेंज है इंडस्ट्रियल केबल्स की, और कंप्लीट रेंज है हमारे पास जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में जितनी केबल यूज़ होती है उन सारों की कंप्लीट रेंज है। ट्रांसमिशन लाइंस में ये मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी सी जो केबल्स पड़ी हैं। एग्जैक्टली, ये हमारे जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ की केबल है, ये हमारी जो है वो MB केबल है। इसकी स्पेशलिटी है हमारी जो हमारी लाइन है CCV लाइन, ये पाकिस्तान की पहली टेक्नोलॉजी है जो CCV लाइन फास्ट केबल आज से कुछ 4 साल पहले यहाँ लेके आया था पाकिस्तान में। इस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वो बहुत स्मूथ है, दूसरा ये कि इसकी जो लाइफ है एज़ पर स्टैंडर्ड, हम जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए केबल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम अगर बाकी कंपेटिटर्स की तरफ देखें, उनकी केबल्स को देखें, तो उसकी लाइफ स्टैंडर्ड कहता है कि अगर वो केबल उस स्टैंडर्ड के ऊपर बनी हुई है तो उसकी लाइफ 15 ईयर्स है।
लेकिन जो केबल हम बना रहे हैं सीसीवी लाइन के थ्रू उसकी लाइफ मोर देन 40 इयर्स है। अच्छा, वेरी नाइस। यानी आपने एक दफ़ा वो केबल लगा ली है तो उसके बाद आप 40 टू 50 इयर्स के लिए ऑलमोस्ट रिलैक्स है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो आप यहाँ पे केबल्स तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे दो तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, एक आईसी का स्टैंडर्ड है और एक बीएसएस स्टैंडर्ड है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। दोनों को फॉलो कर रहे हैं। नाइस। और हमारी ये प्रोडक्ट जो है इसकी केबल की जो लेबॉर्ट्री है, बेस्ट लेबॉर्ट्री है पूरी दुनिया में, उसका नाम है कीमा के नाम से वो लेबॉर्ट्री है। और वो कीमा से हमारी जो केबल्स हैं, लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज केबल्स जो हैं, वो सारी की सारी सर्टिफाइड हैं और टेस्टेड हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे कीमा सुन के पाकिस्तानी कुछ और ही समझ। हाँ नहीं, ये कीमा एक लेबॉर्ट्री का नाम है जो कि हॉलैंड के अंदर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? अभी हम जा रहे हैं एक्सपोर्ट की तरफ। रिसेंटली हमने कुछ ऑर्डर्स किए हैं, मैच्योर एक्सपोर्ट की भी बिल्कुल किए हैं। तो हमारा नेक्स्ट आने वाले को 2-3 सालों में इंशाल्लाह प्लान है कि हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे अपनी एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो यानी कि आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इस वक्त हम पूरी पाकिस्तान की मार्केट को, जिसमें डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, ट्रांसमिशन है, डिस्कोज हैं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि सर्टिफाइड केबल्स ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, और शॉर्ट सर्किट वगैरह से आप बच सकते हैं अगर इस तरह की सर्टिफाइड्स हैं। ये बता रहे हैं कि इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि ब्रिटिश जो भी बॉडीज़ हैं इसको देखती हैं, और फिर जैसा इन्होंने बताया कि कीमा से भी अप्रूव्ड है। अच्छा, तारें हमने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पर बनाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी पाकिस्तानी कंपनियाँ उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली इसके ऑपोजिट जो है, इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करने के लिए जो स्विच होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, और टीजे नाम की एक कंपनी है। अच्छा, ये तो हम देखते हैं जो रिवायती स्विचेस हैं, यहाँ पर हमें जो है बड़े लेटेस्ट डिज़ाइन के स्विच नज़र आ रहे हैं, और आप देखिए बड़े ही एलिगेंट से, खूबसूरत से ये स्विच हैं। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब टच सिस्टम के हिसाब से जो है वो स्विच आ रहे हैं, और इन पर वाईफाई का एक साइन भी लगा हुआ है। ये आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो टीजे ने भी बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगाया है, मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है इन्होंने यहाँ पर स्विच डिस्प्ले किए हुए हैं। और जब हम बात करते हैं स्विच की, तो स्विच से जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट होते हैं, इंटरेस्टिंगली इस एग्जीबिशन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियाँ जो हैं, ख़ास तौर पर फ़ैन कंपनियाँ जो हैं, वो हमें नज़र आ रही हैं। और लाहौर फैंस का एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ इन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले की हैं। अच्छा, फ़ैन इंडस्ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के हम देख रहे हैं कि अब डिज़ाइंस आ रहे हैं, घरों की खूबसूरती के हिसाब से पंखों के कलर्स और डिज़ाइन चेंज किए जा रहे हैं। फिर उसमें भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है कि किस तरह एनर्जी एफिशिएंट रहना चाहिए। और इसके साथ ही लाहौर फैंस के बिल्कुल साथ हमें ZRK जो है पार्टिकल बोर्ड और MDF के नाम से कंपनी दिखाई दे रही है, जहाँ पे भी इन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो रेंज डिस्प्ले की है। और MDF बोर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, ख़ासतौर पर फिनिशिंग के अंदर, तो उसका एक बड़ा खूबसूरत सेटअप है। कोशिश करेंगे कि हम उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से ही बात करें और जानें कि ये जो है किस तरह काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। आप ZRK के रिप्रेजेंटेटिव हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर, टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी, कब से इस बिज़नेस में है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग दे रहे हैं? सर, हमें तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। अच्छा, और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, और इस दफ़ा आईपैक्स में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। और आईपैक्स में आने का मकसद ही ये है कि हम जो आर्किटेक्ट कम्युनिटी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, जो यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर हमें विज़िट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुझे बहुत से स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर के हैं, जो फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स हैं, उन लोगों को हम दिखा सकें कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हम पाकिस्तान में बनाते हैं। वेरी नाइस, और बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई ऐसी कंपनी मिले जो कि पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बना रही है। ये जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं जी सर, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? हम 4 मुल्कों के एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। सही जी। अच्छा, तो क्या क्या, टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्यों आप ही के प्रोडक्ट को जो है वो लिया जाए? एक्चुअली जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो E1 यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड के एन मुताबिक है। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी नए घर या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप फ्यूम्स फील होते हैं, आपको आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है, आप खांसी करने लग जाते हैं, आपको
सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसे कोई भी इंट्रैक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे जित प्रोडक्ट से जो एमिशन्स निकलते हैं वो इतने कम हैं कि उसे E1 स्टैंडर्ड कहा जाता है, जो यूरोप का स्टैंडर्ड है। अच्छा। और पाकिस्तान में हम वाहिद मैन्युफैक्चरर्स हैं जो E1 स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं, जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एक्चुअली। ये हमारे अलावा जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए है कि आप अपने घर में इतनी अच्छी क्वालिटी का बोर्ड लगा रहे हैं, और जो बाकियों से सस्ता बोर्ड भी है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी है, क्योंकि आप पूरे दिन ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, जहाँ पे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो उनके लिए अगर अच्छा बोर्ड वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो एक कम्फर्टेबल लाइफ अपनी गुजार सकते हैं बीमारियों से पाक। लग रहा होगा कि मैं किसी कैफे में बैठा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर स्टिल इन द एक्सपो, और ये है फ्यूचर डिज़ाइन का बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल जहां पर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में वो डिस्प्ले की हैं। और इंटरेस्टिंगली ये इंपोर्ट करते हैं ना सिर्फ इंपोर्टेड फर्नीचर, इंपोर्टेड टाइल्स, स्पेनिश और इटालियन टाइल्स, और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत किस्म के वॉशरूम एसेसरीज, सैनिटरी की प्रोडक्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो मार्केट है कंस्ट्रक्शन की, आर्किटेक्ट से रिलेटेड, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खूबसूरत किस्म की टाइल्स जो हैं और किस बड़े बड़े साइज़ की ये टाइल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करके पाकिस्तानी मार्केट तक लेकर आ रहे हैं। टाइल्स सिर्फ फ्लोर पे ही नहीं बिछाई जाती, बल्कि वॉल टाइल्स जो हैं ये ख़ास तौर पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ की, जो कि आपके घरों को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। आप देख सकते हैं ये एक एग्ज़ाम्पल, इस तरह की और बहुत सी इन्होंने टाइल्स डिस्प्ले की हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मज़ीद खूबसूरत किस्म की डिफरेंट टेक्सचर की प्रोडक्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं, जो आपकी वॉल्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं, मुख्तलिफ़ शेड्स में, मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर, चाहे वो गोल्डन कलर हो, बेज कलर हो, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर दे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस्टीज प्लास्टिक के नाम से एक कंपनी है जिसका स्टॉल है, और पीवीसी पाइप्स का तो आपने सुना होगा, ये सीपीवीसी पाइप्स हैं पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, और इनके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा जाहिद सर। अच्छा उसामा, कंपनी के बारे में बताइएगा, कब से काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कंपनी 2020 में रजिस्टर्ड हुई, कंपनी जो है प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग्स बना रही है, जिसमें फॉर वाटर सप्लाई वी हैव अ सीपीवीसी प्लस पाइप्स एंड फिटिंग्स, और ड्रेनेज के लिए हमारे पास सर है पीपी साइलेंट। अच्छा भाई, वैसे अभी यानी कि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया आप लोगों ने? जी सर, रिसेंटली स्टार्ट किया, दो नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ लेके आए हैं मार्केट में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अच्छा, ये सीपीवीसी, अच्छा पीवीसी पाइप्स जो हम आमतौर पर देखते हैं ग्रीन कलर के, इनमें क्या फ़र्क है, क्या चीज़? इनमें सीपीवीसी का जो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, यूवी रेजिस्टेंट पाइप हैं ये, एंटी माइक्रोबियल पाइप्स हैं ये, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी बिल्कुल भी, सॉल्वेंट वेडलेट जॉइंट्स लगेंगे इसके, 93 डिग्री तक का हॉट वाटर इसमें आप चल सकते हैं, यानी कि ये हॉट एंड कोल्ड वाटर लाइन्स दोनों के लिए सूटेबल है, सैगिंग का इशू इसमें नहीं है सर, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम है, जिसकी वजह से मौसमी असरा, पानी ठंडा या गर्म नहीं होता मौसमी तब्दीली की वजह से। अच्छा चलिए, बड़ा अच्छा, और हमें बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तानी कंपनियां देखे जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कीप अप द गुड वर्क। आगे चलते हैं जी, आपको और भी दिखाते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के स्टॉल हैं, जिस तरह के पीवीसी पाइप्स, आपको पता है कि ये सब के सब सैनिटरी और ड्रेनेज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब कनेक्ट करते हैं वॉशरूम्स के साथ, और ऐसे ऐसे खूबसूरत वॉशरूम्स की आप कह लीजिए इंस्टॉलेशन की यहाँ पे कंपनी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़ा खूबसूरत एक सेटअप लगा हुआ है, जिसमें बाथ टब है, और बड़े खूबसूरत पिंक कलर के थीम की जो बड़ी बड़ी टाइल्स हैं, ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्टॉल लगा है, HTO होम के नाम से ये कंपनी है, जो कि सैनिटरी वेयर्स के अंदर जो है काम कर रही है, और सारी की सारी ये इम्पोर्टेड सैनिटरी वेयर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत डिज़ाइन जो गोल्ड प्लेटेड हैं,
और ये स्पेनिश, इटालियन और टर्किश कंपनियाँ हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ताकि एक फुल लग्जरी जो है वो अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को ये दे सकें। मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं जो कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये तमाम तर स्टॉल्स जो हैं आज की इस एग्जीबिशन का हिस्सा हैं। लुक एट दिस, खूबसूरत सिंथेटिक मार्बल है जिसको पॉली रॉक कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में ये बनाया जा रहा है, एक ऐसी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बात की जाए तो एक रेवोल्यूशन लेके आई है, एक गैप देखा और एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आई जिसको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फॉर्चुनेटली इनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर इमरान कुद्दूस। सर अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट, गुड टू सी यू हेयर। कि इतना अच्छा आप अपनी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर भी आपने डिस्प्ले किया। सो सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइएगा कब से इस बिज़नेस के अंदर हैं और इस वक्त कहाँ पे खड़ी आप क्या? हमने ये 3 साल पहले जर्नी स्टार्ट किया था, 2019 में हम प्रोडक्शन में आए थे सितंबर में। तो ये जो सॉलिड सरफेस शीट्स हैं ये पाकिस्तान में अब तक इम्पोर्ट हो रही थी उससे पहले, तो ये लोकल मैनुफैक्चरिंग का पहला प्लांट है। तो ये हमने फैसलाबाद फेडवेक में लगाया हुआ है और पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्वालिटी सर्विसेज लोगों ने एक्सेप्ट की हैं और इस वक्त मार्केट में हम ऑलमोस्ट 70% शेयर हमारे पास है। वेरी नाइस, तभी तो मैंने कहा कि रेवोल्यूशन लेके आए हैं आप। हाँ नहीं नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं और हम अब इसमें इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं। वेरी नाइस। तो अभी हम जस्ट प्लेन सॉलिड कलर्स बना रहे थे या चिप्स वाले बना रहे थे, अब इंशाल्लाह जल्द हम वेंस वाले कलर्स में, मार्बल डिज़ाइन में भी आने लगे हैं। वेरी नाइस। तो आईपैक्स के बारे में क्या कहेंगे जो एग्जीबिशन हो रही है? आईपैक्स इज़ अ वेरी गुड फोरम, इसमें सारे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं तो सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, सारे आर्किटेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो हर एक को चांस मिलता है कि वो अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराए, उसको आगे लेके चले। तो दैट्स बी अ गुड थिंग। तो हम पहली दफ़ा इसमें आईपैक्स में भी आए हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे। और यहाँ पे लोगों का रिस्पांस मैंने देखा कि बहुत अच्छा है, कि हर किस्म के लोग आ रहे हैं और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। बड़ा अच्छा लगता है कि ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन रही हैं, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होंगी। जी जी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट मंथ दिसंबर में Big 5 एग्जीबिशन होती है यहाँ पर दुबई में। अच्छा, वी आर पार्टिसिपेटिंग देयर। इंशाल्लाह उससे हमारी एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी रास्ते निकलेंगे। पिछले 3 साल में जो कोविड की वजह से हम नहीं निकल सके थे, लेकिन अब वी आर देयर, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया टॉकिंग टू यू। और जो लोग इस पॉलीरोक सॉलिड सरफेस शीट की मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इनकी पूरा मेकिंग प्रोसेस हमने दिखाया है कि किस तरह ये पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। और अब जिस तरह इनके CEO ने बताया कि बाहर एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। इस एग्जीबिशन के अंदर और भी बड़े खूबसूरत स्टॉल हैं और फिनसरा के नाम से जो है ये इनकी सिस्टर कंपनी है जिसका स्टॉल लगा हुआ है। और ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की, आप कह लीजिए लाइट्स हों, बाथरूम एक्सेसरीज़ हों, मुख्तलिफ चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनके जो CEO हैं फॉर्चुनेटली वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? सोहेल नाम है मेरा जी। अच्छा सोहेल साहब, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो दे रहे हैं पाकिस्तान? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा ये IAP को जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और रिगार्डिंग आपने पूछा कंपनी के बारे में, तो कंपनी के हमारे प्रोडक्ट्स में जितनी भी इंटीरियर प्रोडक्ट्स हैं सारी आ जाती हैं, जिसमें आप इंटीरियर में शुरू हो जाते हैं पेंट से, तो पेंट हम जोते पेंट के डीलर हैं, पेंट के बाद लैमिनेट फ्लोर है, वॉलपेपर्स हैं, लाइट्स हैं और हमारी अपनी देखा है फैक्ट्री भी है कोरियन शीट्स बनाने की। और इसके अलावा होम ऑटोमेशन हम कर रहे हैं और टाइल्स कर रहे हैं और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं, इंटीरियर सॉल्यूशन टोटल हम दे रहे हैं जी। अच्छा वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ा अच्छा लगा आपका, वो हमने प्रिज्मा टेक कंपनी का भी देखा और यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन चीज़ें जो है आप पाकिस्तानी मार्केट में दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे चल के आपको और भी दिखाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत स्टॉल लगे हैं, पाकिस्तानी कंपनियाँ जो हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बना रही हैं, आइए।
सो ये है एच वर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल जो कि ना सिर्फ इम्पोर्टेड टाइल्स में डील कर रही है बल्कि सोलर पैनल्स हों, बाथरूम एक्सेसरीज हों, मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फराहम कर रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा हमें जो स्टॉल नज़र आ रहा है वो ब्रदर ग्लास का है। और ब्रदर ग्लास जो है एक डिफरेंट किस्म के ग्लास जो कि आजकल हम देखते हैं बाहर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं ख़ासतौर पर कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर। और फॉर्चुनेटली इनके यंग CEO इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से इस बिज़नेस में हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स में वो ऑफर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान इरशाद। अच्छा नुमान, ये बताइएगा, ये हम देखते हैं कि बाहर तो अब कमर्शियल बिल्डिंग्स में हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं खूबसूरत से डिज़ाइन वाले ग्लास, आप लोग कब से पाकिस्तान के अंदर इस बिज़नेस में हैं? सर, वी हैव बीन इन दिस बिज़नेस फॉर लास्ट 3 decades, बट रिसेंटली हमने अपग्रेड किया है अपनी टेक्नोलॉजी को एंड वी इंस्टॉल लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट इन लाहौर पाकिस्तान, जिसमें हम टेम्पर्ड ग्लास कह रहे हैं विच इज़ सेफ्टी ग्लास, उसके बाद इंसुलेटेड डबल ग्लेज ग्लास, नाउ वी ब्रिंग दिस फ्रिट टेक्नोलॉजी फ्रिट ग्लास विच इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि लाइक ये सोलर कंट्रोल ग्लास है, इट ब्लॉक्स अप टू 95% सोलर यूवी और आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, सो यू विल सेव ह्यूज एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ टू इंस्टॉल दिस ग्लास। ठीक, तो यानी कि आपकी बिल्डिंग की लुक भी खूबसूरत हो जाएगी और साथ साथ उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा। एग्जैक्टली, टू इन वन। जी, टू इन वन। एंड द अदर एडवांटेज, कम हियर, आई विल शो यू, इट ऑल्सो सेव द बर्ड लाइव्स बिकॉज ग्लास की रिफ्लेक्शन की वजह से बर्ड्स आर कोलैप्स ऑन द ग्लास, सो इफ यू मेक अ पैटर्न बिकॉज लाइक अगर आप देखें जो लीड सर्टिफिकेशन बॉडी है वर्ल्ड वाइड वो कहती है कि अगर आप ग्लास को सेव करते हैं बर्ड्स कोलैप्स से सो आपको 1 extra point इसके दिए जाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, इस तरह के मतलब खूबसूरत टेक्सचर। अच्छा, और किसी भी तरह का आप टेक्सचर बनवा सकते हैं? बिल्कुल, ये टोटली कस्टमाइजेबल है, कोई भी टेक्सचर, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कलर आप हमें दें, इट्स ऑल ऑन योर क्रिएटिविटी, जस्ट ब्रिंग अस और वी विल मेक इट। ठीक है, एंड 100% मेड इन पाकिस्तान, दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, दैट इज़ द अमेजिंग थिंग। और बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में आप जैसे यंग टैलेंटेड लोग जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक्सपोर्ट करने का भी इरादा है या कुछ? सर, अल्लाह के फजल से वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्ट इट टू अमेरिका एंड स्वीडन। स्वीडन में हमारे एक क्लाइंट है जो कि टेनिस कोर्ट्स बनाते हैं, ऑन टेनिस कोर्ट दे नीड द विजिबल लाइंस, सो वी आर जस्ट मेकिंग दिस लाइंस ऑन फ्रिट। या वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का काम देख के बहुत अच्छा लगा और बिला शुबा तमाम पाकिस्तानियों को भी अच्छा लगा होगा और जो लोग भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं उनके लिए एक देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि पूरी दुनिया में अब बनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह अब हाई राइज बिल्डिंग्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो दैट वाज आईपैक्स 2022 और आज की इस एग्जीबिशन में हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से ना सिर्फ कंक्रीट बल्कि फिनिशिंग के हवाले से पाकिस्तानी कंपनियाँ मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हैं बल्कि दुनिया भर में ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। यकीनन आज की इस एग्जीबिशन को आपने डिस्कवर किया होगा, बहुत सी चीज़ें लर्न की होंगी, बहुत सी चीज़ें देखकर आपको खुशी भी हुई होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान का हर सेक्टर जो है बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है और हमारी तो यही दुआ है कि इसी तरीके से पाकिस्तानी इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो फलती फूलती रहें, आगे बढ़ती रहें। इसी दुआ के साथ एक्सपो दिस वीक की टीम और सलमान खान को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।